ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜନୀତିର ମାହୋଲ ବେଶ ସରଗରମ କାରଣ ପାଖି ଆସୁଛି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ତ ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି ଆଉ ତିନିଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହିଛି ତେଣୁ ହେଭି ୱେଟ୍ମାନଙ୍କର ବେଶ୍ ଗସ୍ତ ରହିଛି ଅମିତ ଶାହ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱଶର୍ମା ଆସାମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଅନେକ ହେଭିୱେଟ୍ ନେତାଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ରୋଡ୍ ଶୋ କରୁଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେହି କ୍ରମରେ ଆମ ସାଥିରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ସହିଦ ରାଜା କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଚାରି ଚାରି ଥରର ବିଧାୟକ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ବେଶ୍ ଦବଦବା ରହିଛି ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ରାଜନୀତିରେ ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ସୁଶୀଲ ସିଂ ମହୋଦୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତିକୁ ସେ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅବ୍ କି ବାର୍ 400 ପାର ଯେଉଁ ନାରା ରହିଛି ବିଜେପି ତରଫରୁ ତା କେତେଦୂର ସକ୍ସେସ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେଦୂର କାମ ଦେବ ବୋଲି ସେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବା ତାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଗସ୍ ଙ୍କୁ ସାର୍ ପହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥାଏ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଅର୍ଗସ୍ ନମସ୍କାର କେସା ଲାଗ ପହିଲି ବାର ଆଏ ହିଁ ଔର ପହିଲେ ସେ ଆଏ ନାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ତ ହମ ପହିଲେ ବି କଇ ବାର ଆ ଚୁକେ ହୈ लेकिन संबलपुर में मुझे पहली बार आने का मौका मिला है सौभाग्य मिला है कैसा लग रहा है अभी देखिए तभी जब आते हैं घूमने के लिए नहीं तो भगवान जी के दर्शन करने के लिए अभी थोड़ी माहौल अलग है निर्वाचन की माहौल है तो आपको कैसा लग रहा है संबलपुर में खास करके कैसा लग रहा है देखिए हम लोग तो चुनाव की दृष्टि आए हुए हैं हम सबके आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और एक सरल स्वभाव के नेता हैं जो यहाँ आने पर हम लोगों ने लोगों से संपर्क किया तो उन लोगों का भी यही कहना है कि हमारे प्रत्याशी बहुत सरल हैं और विकास के नाम पे जाने जाते हैं वो यहाँ पे दिख रहा है प्रधानमंत्री जी आए थे पहले बोले कि पहले मतदान फिर जलपान और लोगों को यहाँ पे मैसेज देके गए हैं कि घर घर में जाओ और मोदी ने बोला है कि जय जगन्नाथ जी बोलो ये वार्ता सबके पास पहुंचा दो और बहुत सारे जो बीजेपी अपने जो मैनिफेस्टो जो निकाली है वो बोले हैं कि यहाँ पे क्या क्या करने वाले हैं महिला हो चासी हो गरीब हो युवा हो सबके लिए कुछ करेंगे आपको क्या लग रहा है ये मोदी गारंटी उड़ीसा में कितना चलेगा देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये विषय बोला है तो हम लोग भी मैंने कहा कि मैं पहले भी आता रहा हूँ तो हम लोग हमेशा जगन्नाथ जी का दर्शन करते रहे हैं चुनाव के वोटिंग के बाद मैं अक्सर यहाँ पे दर्शन करने के लिए पुरी में आता रहा हूँ हर चुनाव में आता हूँ और इतनी बड़ी बात हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो जरूर उसमें ईश्वर की ताकत है ईश्वर की कृपा है आज मोदी की गारंटी वो जमीन पर दिख रही है और उड़ीसा में ही नहीं पूरे देश में दिख रही है उड़ीसा में भी देखने को मिल रही है मैं कल से घूम रहा हूँ तो मुझे भी एहसास हो रहा है कि मोदी जी की गारंटी का असर उड़ीसा में भी दिखाई दे रहा है इसका मतलब कि मोदी लहर उड़ीसा में काम कर रहा है और परिवर्तन जैसे भी होगा देखिए 2014-2019 के चुनाव में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी और एक बार फिर 2024 में तीसरी बार के लिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव में लड़ रही है लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि उड़ीसा में 2014 और 2019 के से ज्यादा लहर इस बार 2024 में है जो आपको आने वाले 4 जून को दिखेगा पहली बार देखिए जब ये इलेक्शन की बात आया तो बहुत कुछ दिन तक ये बात चला कि बीजेडी यहाँ का जो सरकार है 26 साल से यहाँ पे और बीजेपी में एक अलायंस होने वाला है बहुत दिन ये चर्चा चलता रहा मगर बाद में पता चला कि नहीं अकेले लड़ेंगे ये मतलब कि बीजेपी की ओर से पहली बार आया सामने कि हम अकेले लड़ेंगे और इस बार सरकार बनाएंगे क्योंकि आप देखेंगे तो अमित शाह जी का जो इंटरव्यू था वो खुद बोले कि अगर हम मतलब कि साथ अलायंस करते हैं तो वो अलग बात है वो तो टाइम ही बताएगा अगर अकेले लड़ते हैं तो फिर सरकार बनाने के लिए हम लोग लड़ेंगे तो आपको क्या लग रहा है जो अमित शाह जी जिनको चाणक्य बोलते हैं राजनीति के तो उनकी बात अगर हम पकड़ के चले और अब जितना भी कम्युनिटी से मिले हैं जितना जहां जहां भी घूम रहे हैं आपको क्या लग रहा है देखिए ऑलरेडी अमित शाह जी जो काम करते हैं वो जमीनी स्तर पर काम करते हैं तो वो जो अक्सर जो उन्होंने बोला है वो सही निकला भी है और वो इस बार भी बोल रहे हैं कि अब की बार 400 पार ये हमारे भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि अब की बार 400 के पार तो उस पे ही वो समझ के बोल रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा अभी आपने देखा होगा मीडिया में आया 2 दिन पहले कि 300 सीटों पे चुनाव हो चुका है जिसमें हम 270 सीटों पर हम चुनाव लगभग जीतने की स्थिति में है और ये स्पष्ट है क्योंकि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी की लहर चल रही है मोदी की गारंटी का लहर चल रहा है क्योंकि मोदी जी ने जन जन का विकास किया है चाहे वो गरीब हो चाहे वो व्यापारी हो चाहे वो किसान हो चाहे युवा हो हर वर्ग का हर लोगों का विकास इस सरकार में हुआ है सर अगर ऐसा माना जाए तो रिपोर्ट जो आ रहा है कि मतलब कि इंडी
की तरफ से, इंडी ब्लॉक की तरफ से जो बोला जा रहा है कि आप लोग का मतलब जैसे वाइब क्रिएट किए हैं कि अब की बार 400 पार हम अच्छा करें, वैसे है ही नहीं रियलिटी में, क्योंकि आपका साउथ में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र ये सब जगह और महाराष्ट्र भी देख लीजिए, तो वहां पे आपका इतना सीट मतलब कि इतना परफॉर्मेंस इतना अच्छा होने वाला नहीं है और हुआ भी नहीं साउथ करके, मतलब कि खास अगर आप देखेंगे तो। फिर ये जो नारा आप लोग लगा रखे ये सिर्फ एक वाइब क्रिएट करने के लिए, रियलिटी में ऐसे कुछ होने वाला नहीं, बहुत कुछ चेंज होगा। देखिए ये लोगों इंडिया गठबंधन तो हमेशा यही कहेगा, इंडिया गठबंधन में कितनी पार्टियां गठबंधन जुड़ी हैं और वो हमेशा गठबंधन करती रही हैं, चाहे 2014 का चुनाव हो चाहे 2019 का चुनाव हो। रिजल्ट हमारा 2014 का क्या रहा, 2019 का क्या रहा, अब हमारा 2024 का चुनाव रिजल्ट क्या होगा, ये सबके सामने है, ये मीडिया भी कह रही है। और ये इंडिया गठबंधन तो हमेशा हमारे खिलाफ रहेगा, क्योंकि वो तो सिर्फ देश को फूट डालो की राजनीति अंग्रेजों के स्टाइल में काम उन लोगों ने किया है। वही हाल यहाँ बीजेडी का भी है कि अंग्रेजों वाली नीति के अनुसार काम करते हैं कि हिंदुओं में फूट डालो और लोगों में फूट डालो, आपस में लोगों का ना बनेगा तो उनको वोट मिलेगा, मुस्लिम के वोट लेने के लिए सारी राजनीति इंडिया गठबंधन करता है। भारतीय जनता पार्टी देश हित में काम करता है, समाज हित में काम करता है, और उसी के दिन है कि आज हर वर्ग का वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लेकिन इंडिया गठबंधन के साथ हर दल हर जाति का वोट नहीं है, और इसी वोट के लिए सब सारे लोग राजनीति कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ओडिशा की राजनीति थोड़ी डिफरेंट है, अगर पूरा भारत की राजनीति देखेंगे तो फिर ओडिशा की राजनीति थोड़ी डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पे ना जात चलती है ना धर्म चलती है, लोग यहाँ बहुत सिंपल होते हैं, मतलब उनका कहना है कि जो हमारा काम करेगा हम उसे ही वोट देंगे, यहाँ पे मुद्दा विकास की होती है। तो अगर ऐसे देखा जाए तो अभी देखिए जो बीजेडी सरकार है वो मुफ्त में बिजली की बिल 100 यूनिट तक वो मतलब कि छोड़ने के लिए घोषणा भी कर चुके हैं, तो आपको क्या लग रहा है ये जो मुफ्त वाला जो चल रहा है मुहिम चल रहा है इसमें लोग विश्वास करेंगे या फिर मोदी जो गारंटी दी है उस पर भरोसा करेंगे? मोदी की गारंटी में तो तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो राशन है, पक्के घर है, शौचालय है, आयुष्मान योजना है, उज्ज्वला योजना है, तमाम ऐसी योजनाएं ऑलरेडी मिल रही हैं किसानों को, किसान सम्मान की योजना का लाभ हो रहा है। अब उसका देखा देखी आने दल ये काम कर रहे हैं कि बिजली हम फ्री कर देंगे तो फिर तमाम योजनाएं फ्री करेंगे, वो एक अलग विषय है, वो हर पार्टी अपना काम करती है। लेकिन मोदी जी ने जिस तरीके से ये काम किया है वो गरीबों के लिए काम किया, जितनी ये योजनाएं हैं वो सरकार की वो गरीबों के लिए है, सामान्य वर्ग के लिए भी कहीं कहीं किसान सम्मान की योजना है, गरीब का किसान है उसको भी लाभ मिल रहा है, सामान्य वर्ग किसान है उसको भी लाभ मिल रहा है, जो गरीब बुजुर्ग है या और भी लोग हैं उनको भी आयुष्मान योजना का लाभ मिल रहा है। और बाकी बिजली उजली की समस्या तो देखिए है ही, और इस पे हर सरकारें अपना वोट लेने के लिए अपना पॉलिटिक्स खेलती हैं, हम उस विषय पे नहीं जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से ऑलरेडी मोदी जी ने गरीबों के लिए काम किया है और जन जन जिस तरीके से मोदी जी के समर्थन में आज खड़ा है, तो हमें लगता है कि उड़ीसा की जनता भी इस बार लोकसभा के चुनाव के साथ साथ विधानसभा के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का साथ देने जा रही है। धर्मेंद्र जी यहाँ पे संबलपुर पार्लियामेंटरी कंस्टिट्यूएंसी से प्रार्थी बने हैं सांसद के रूप में, उनको लेके आपको क्या राय है, मतलब यहाँ पे लोग क्या बोले, क्योंकि आप लोगों से मिल रहे हैं, उनको परिवर्तन चाहिए, 26 साल से जो सरकार यहाँ पे है कितना डेवलपमेंट कर रहे हैं ये तो फील्ड में पता चला है, लोगों के मुंह से पता चल रहा है, धर्मेंद्र जी को लेके आप क्या बोलेंगे? देखिए ऑलरेडी धर्मेंद्र प्रधान जी जिस तरीके से सरल तरीके से पॉलिटिक्स करते हैं बहुत ही सरल है, क्योंकि वो हम लोगों के यहाँ भी जाते हैं काशी में, जिस तरीके से हमने भी उनसे बहुत सी चीजें सीखी हैं कि जनरल लोगों से मिलना जुलना, और फिर यहाँ से अभी वेलकम काशी में बाबा विश्वनाथ के मंदिर को दर्शन करने के लिए हमारे तमिलनाडु से, कर्नाटका से, आंध्रा से, उड़ीसा से भी लोग गए हैं, वो वहाँ के नॉर्मल की तरह स्टेशन पे खड़े होकर के लोगों का स्वागत करना, लोगों से मिलना, गले मिलना, तो ये सरल व्यक्ति ही कर सकता है, न कोई भेदभाव नहीं, कोई गरीब भी है कोई सामान्य वर्ग भी है, सबसे मिलना, तो वो तेलंगाना का भी आ रहा है, वो उड़ीसा का भी आ रहा है, वो आंध्रा का भी आ रहा है, सबसे मिलना, तो वो सब चीज़ों को देखने से हम लोगों को भी बड़ा अच्छा लगा कि इतने बड़े नेता होकर के इतने बड़े पद पे होने के बाद भी सामान्य तरीके से मिलना हम लोगों ने उनसे सीखा, उसी की वजह से हम लोगों का जुड़ाव उनसे हो गया। आज हम लोग यहाँ आए हैं तो हम लोगों को यहाँ आने के बाद दिख भी रहा है जिस तरीके से उन्होंने शिक्षा को हब को संबलपुर में काम करके दिखाया है, वो दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है। और भी चीज़ें हैं, यहाँ की पॉलिटिक्स थोड़ा सा डिफरेंट टाइप की है जो हमें यहाँ पे जानकारी मिली है,
जैसे हनुमान जयंती थी, हनुमान जयंती पर कुछ लोगों ने विवाद किया, उसको नुकसान पहुंचाया हिंदुओं को, और यहाँ पे मुस्लिम की जिस तरीके से पॉलिटिक्स हो रही है उनको बचाने के लिए लोग काम कर रहे हैं, ये गलत तरीका है कि किसी को बचाने के लिए आप कर रहे हैं। उसका सहयोग करिए, अच्छी बात है, लेकिन उनका उद्देश्य क्या है, यहाँ क्यों बचाना चाहते हैं वो, जहाँ है वहाँ उनका सहयोग करिए, लेकिन उनकी जो सोच है कि वहाँ पे हम बसाएंगे, फिर उनको आबादी बढ़ाएंगे, फिर वहाँ पे कब्जा करेंगे, ये पॉलिटिक्स उनकी गलत है, जो नहीं होना चाहिए। किसी पार्टी को ऐसे इस तरीके से सपोर्ट नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी क्या राशन मुसलमान को नहीं देती? क्या राशन सब सरकार की योजनाएं उनको तक नहीं पहुंचती? सब सारी योजना उनको मिल रही है, लेकिन जो और लोग पार्टियां हैं वो जिस तरीके से सोच तरीके से काम करती है उनका वोट लेने के लिए, कि उनको बढ़ावा देती हैं, उनको बसाने की बात करती हैं, उनसे और लोगों से विवाद करने लगती हैं, वो तरीका गलत है। वो सिर्फ वोट की राजनीति के लिए ऐसा काम लोग कर रहे हैं। पहली बार देखा गया है कि उड़ीसा की राजनीति में ऐसे कभी नहीं हुआ, पहली बार ये हुआ कि उड़िया अस्मिता और उड़िया स्वाभिमान को लेके अभी मुद्दा बनाया गया है और बीजेपी उसको लेके ही निर्वाचन मतलब की रणांगन में उतर भी गया है। आपको क्या लग रहा है ये कितना जरूरी है, अस्मिता स्वाभिमान एक जाति का, एक प्रदेश का, उसका सुरक्षा करना कितना बड़ा मुद्दा है? देखिए, अस्मिता और स्वाभिमान दोनों बहुत महत्वपूर्ण विषय है और दोनों हर व्यक्ति के लिए जरूरी होता है, क्योंकि चाहे वो सामान्य वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे वो निचले स्तर का व्यक्ति हो, स्वाभिमान सबकी जरूरत है और अस्मिता भी सबकी जरूरत है। अगर जो इस चीज को ध्यान नहीं रखता, इसका मतलब कि वो अच्छा व्यक्ति नहीं है, समाज के लिए दृष्टिहीन भावना से देखा जा सकता है। तो ऐसे हमारे उड़ीसा के लोग भी स्वाभिमानी हैं, अस्मिता का ध्यान रखते हैं और अपने धर्म का भी ध्यान रखते हैं। हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ जय श्री राम की बातें हो रही हैं, तो लोगों के अंदर एक भाव है अपने अस्मिता का, अपने देश की संस्कृति का, हमारे देश की स्वभाव का जो है वो लोगों के अंदर दिख रहा है। तो उड़ीसा के अंदर भी लोगों के अंदर ये चीजें दिख रही है। अभी हम जैसे आए, माँ शैलेश्वरी का हमने दर्शन किया, तो जिस तरीके से हम वहाँ के दुकानदारों से मिल रहे थे, देखा हमने, तो वहाँ के लोगों का भी भाव हमारी सनातन धर्म की जो प्रकृति है, जो आस्था है, उस तरीके से यहाँ के लोग हैं। और ये कह सकते हैं कि इनकी भाषा अलग हो सकती है, लेकिन है तो एक ही सारे लोग। जहाँ आस्था की बात हो रही है, यहीं पे मुझे एक बात याद आ रही है कि आप श्री मंदिर जगन्नाथ जी के मंदिर, आपको तो पता है आप तो हर बार भी जाते हैं दर्शन करने के लिए, प्रभु की आशीर्वाद लेने के लिए, मगर मंदिर को लेकर अभी बहुत सारा विवाद है। जैसे कि पकड़ के चलिए, महाप्रभु की जितना रत्न अलंकार जो है, रत्न भंडार, उसकी चाबी खो गई, फिर डुप्लीकेट चाबी, उसको लेकर एक बड़ा मुद्दा बना है, और जो चार द्वार है उसको खुला भी नहीं जा रहा है, जिसके लिए जो दर्शनार्थी आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं, वो बहुत परेशानी की सामना उनको करना पड़ रहा है। तो उसको लेके एक विवाद सामने भी आ रहा है और बीजेपी की ओर से भी बोला गया है कि अमित शाह जी ने भी इसे भी बोला है कि अगर बीजेपी की सरकार यहाँ पे बनती है तो वो चार द्वार खुलेगा और रत्न अलंकार जो है उसका गिनती भी होगा, वो सेफ है कि नहीं वो भी पता चलेगा। तो ये छुएगा क्या उड़िया लोगों को, उड़िया वोटर्स को ये छुएगा क्या बीजेपी का बात? देखिए, ये तो सौभाग्य की बात है कि भगवान जगन्नाथ जी के स्थल पे जो इस तरह की बातें आपने बताई है, और इस तरह इन चीजों के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से काम किया है पहले भी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, हमारे प्रदेश में मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के बनने के बाद, अब काशी में देख लीजिए बाबा विश्वनाथ का मंदिर का जीर्णोद्धार, जो किसी ने सोचा भी नहीं था, भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या देख लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश में आप आइए, हमारी सरकार रही, महाकालेश्वर का मंदिर देख लीजिए, चाहे केदारनाथ का मंदिर उत्तराखंड में वहां देख लीजिए। तो जहां जहां हमारी सरकारें रही हैं, हमारी सरकारों ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा अपने धर्म और अपनी सनातन धर्म को और अपनी संस्कृति को मजबूत करने के लिए अपने उन स्थलों को, जो हमारे देश के लोगों की आस्था का विषय है, उनको उन लोगों ने सुदृढ़ किया है, अच्छा किया है। तो यहाँ भी अगर हमारे नेता सोच रहे हैं तो कोई खराब विषय तो है नहीं, तो जनता का भाव है, जनता के लिए हम काम कर, सरकारें आती हैं तो जनता के लिए आती हैं, तो ये बहुत अच्छा विषय है कि हमारी सरकार जनता अगर बनाती है तो ये हम काम करेंगे, हमारे आदरणीय अमित शाह जी ने कहा है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ के लोगों को समर्थन देना चाहिए कि आने वाले समय में हमारी सरकार बनने के बाद हम ये निर्णय लेंगे, क्योंकि हम तो अपने उत्तर प्रदेश में अब मथुरा में काम करने जा रहे हैं, आने वाले समय में और भी स्थल है, हम उसका भी विकास करने जा रहे हैं, तो हम तो देश भर में ये काम कर रहे हैं। आप चले जाइए गुजरात में, जाके देख लीजिए शोभनाथ जी का मंदिर पहले, और अब मैं अंतर देख लीजिए, तो हमारी जहां भी सरकारें हैं
हमने अपने हर स्थलों को अच्छा किया है और स्थलों को अच्छा करने का लक्ष्य नहीं है। विरोधी बोल रहे हैं कि झूठा प्रचार है, तो आके देख लें, वो काशी में देख लें, अयोध्या में देख लें, महाकालेश्वर मंदिर पे देख लें, बाबा केदारनाथ के मंदिर पे देख लें। अगर वो देखेंगे तो उनको एहसास होगा कि आज के 10-15 साल पहले क्या था और आज क्या है। अगर उसको देखने के बाद भी नहीं समझ में आता है तो फिर उनके आंख पे तो पट्टी लगी है पाकिस्तान की, उनके आंख पे पट्टी लगी है मुस्लिम की, तो उनको दिखेगा ही नहीं। उड़ीसा में खास करके मैं बोलूं, आपको तो पता है कि सीएम हल्ला और सीएम को कौन चलाते हैं इसको लेके तो बड़ी चर्चा हर जगह पे होता है। तो उनका भी कहना है कि बीजेपी सरकार जो बोलती है या प्रधानमंत्री भी जो बोल रहे हैं सब झूठ बोल रहे हैं सिर्फ लोगों को भ्रमित करने के लिए। आगे देखें, अभी तो हमें लगता है कि हम भी देख रहे थे टीवी में, जिस दिन हमारे भगवान पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर का उद्घाटन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे थे, उस दिन लाइव देख रहे थे अपने यहाँ के मुख्यमंत्री जी, मैं भी टीवी में देखा था, उनकी भी आस्था है। और तो आस्था यहाँ से देख रहे हैं तो जाके भी मंदिर को देखें कि किस तरीके से हमारी वहाँ के लोगों ने बनाया है। वो सरकार ने नहीं बनाया, वहाँ के लोगों ने मिलकर बनाया, देश के लोगों ने उस मंदिर को बनाया है, उसमें हर व्यक्ति का सहयोग है। बाबा विश्वनाथ का मंदिर जाके देख लें, महाकालेश्वर का मंदिर जाके देख लें। अब इसके बाद भी इनको झूठ लगता है तो वहां की वीडियो बना के देख लें। अब ये सिर्फ भ्रमित करना, अब जनता जान चुकी है इन चीजों को और जनता समझ चुकी है इन चीजों को, अब जनता उनके बहकावे में आने वाली नहीं है। परिवर्तन यहाँ भी होने जा रहा है और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इसका मतलब उड़ीसा से 21 से 21। हमें लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पे लहर चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की गारंटी की, वो 4 जून को यहाँ पे दिखेगा। फिर क्या लास्ट मैसेज क्या देंगे जो आपको सुन रहे हैं, जो आपको देख रहे हैं, जो मोदी के ऊपर भरोसा करते हैं, मोदी गारंटी के ऊपर भरोसा करते हैं? एक तो फर्स्ट फेज की इलेक्शन तक खत्म हो चुकी है और 3 फेज की है उड़ीसा में, 13 को ऑलरेडी हो चुका है, 20, 25 और 1 जून 1 को होने वाला है, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, मेरा खास तौर से अपने उत्तर भारतीय जो यहाँ पे रहते हैं या हमारे आसपास के जो प्रदेश के लोग रहते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग, उनसे मेरा व्यक्तिगत आग्रह है कि ऐसा नेता मिलना बड़ा संभव नहीं होता, अच्छे लोग बार बार नहीं मिलते। धर्मेंद्र प्रधान जी के बारे में मैं व्यक्तिगत जानता हूँ, अच्छे व्यक्ति हैं, सरल व्यक्ति हैं और विकास करने वाले व्यक्ति हैं। जिन्होंने काम किया है, पहली बार वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ के उत्तर भारतीय के साथ साथ यहाँ के लोगों को भी आशीर्वाद देना चाहिए, सहयोग देना चाहिए। और हमें लगता है कि मोदी की सरकार तो बनने जा रही है, इसमें कोई बटले की नहीं है, तो यहाँ का डेवलपमेंट जो होगा, जो लोगों ने नहीं सोचा होगा, उससे कई गुना आगे यहाँ का डेवलपमेंट होगा। और यहाँ की सरकार तो है, उनके लोग तो लड़ रहे हैं, तो उन्होंने क्या काम किया उसको देखिए। ठीक है, डेवलपमेंट कुछ हुआ होगा हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से मोदी जी की सरकार ने डेवलपमेंट देश में किया 10 साल में, वो डेवलपमेंट 5 साल का लक्ष्य 10 साल में हुआ है। मोदी जी ने कहा अब उसको हम 5 साल में करेंगे, तो संबलपुर के लोगों को भी उसका फायदा मिलेगा। तो मेरा व्यक्तिगत आग्रह उन लोगों से है जो हमारे उत्तर भारतीय हैं, बिहार उत्तर प्रदेश के हैं, कि अपना समझ के, अपनी संस्कृति को समझ के आप लोग सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को चुने, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र प्रधान जी को आशीर्वाद दें, सहयोग दें। यही मैं आप सबसे निवेदन करने के लिए आपके बीच में यहाँ आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी। आम सत्रे रही थे चंदोली डिस्ट्रिक्ट सहीद राजा कन्स्टिट्युएन्स चारिथर विधायक सुशील सिंह जी, से अपील करी कि मोदी ग्यारंटी उपर भरोसा करने से कहते जहां मोदी सरकार कहते कर देखिए दिखते तेखार कथा निर्वाचन फलाफल आसवा पर ही जमापड़ प्रकृत में केते दूर मोदी ग्यारंटी ओडिशा रे काम दे। संबलपुर कैमरा पर्सन रवि नारायण जेना निर्मा प्रियदर्शनी। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।